अगर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत के आज के इस कार्यक्रम में सारे प्रेक्षकों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 85 और वचन 15। प्रभु तू एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु दयालु है और करुणामय है। इस बात को लेकर हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसके वचन को सुनकर अनुग्रह पाए। आज के इस कार्यक्रम में हम पूरे तरह से प्रभु के साथ एक हो, स्तुति और आराधना के समय, वचन सुनते समय और उसके अनुग्रह पाए।
संत योहन का सुसमाचार अध्याय तीसरा और वचन 30। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के कार्यक्रम में आप जो वचन सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है कि यीशु बढ़े और हम घटता जाए। एक बार और हम इस वचन को सुने। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। किसने कहा इस वचन को, किस परिस्थिति में कहा? योहन, जो बपतिस्म देने वाले योहन थे, उन्होंने कहा। योहन का काम क्या था, योहन का मकसद क्या था? ईश्वर ने संत योहन को चुना था ताकि प्रभु यीशु के लिए वह लोगों के हृदय में एक मार्ग बनाए, ताकि प्रभु यीशु और उसके संदेश को लोग आसानी से स्वीकारें। प्रभु यीशु अपने कार्य करने के पहले ही संत योहन गांव गांव जाकर प्रचार कर रहे थे, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करना। उनके भी शिष्य थे जैसे प्रभु यीशु के शिष्य थे, और कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि प्रभु यीशु ऐसा ऐसा कर रहा है। अब संत योहन ने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं जानता हूं कि मेरा जगह क्या है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, उससे अधिक मुझे नहीं करना है, और मैं इस बात को बड़े अच्छे से जानता हूं कि यीशु को बढ़ना है और मुझे घटना है। ये हमने सुना संत योहन के बारे में, लेकिन ये जो संदेश है इससे हमारे जीवन में क्या फायदा, हमारे जीवन में इससे क्या फायदा? आपने अभी ये गाना सुना, बहुत अच्छा था, और उस गीत में आपने ये सुना कि मैं घटूं और तू बढ़े। अब हम बाइबल के उस परिस्थिति से अलग होकर हमारे निजी परिस्थिति में उतर आए, और कुछ हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल रखे, क्या मैं भी अपने हृदय से यह चाहता हूं कि यीशु मेरे जीवन में बढ़े? अगर यीशु को मेरे जीवन में बढ़ना है तो मुझे घटना जरूरी है। अगर मैं भी चाहता हूं कि यीशु अगर बढ़े और साथ में मेरा नाम भी बढ़े तो ये मुमकिन नहीं है, दोनों साथ में नहीं चल सकते। संत योहन ने यह सिखाया है। संत योहन जो बपतिस्मा दे रहे थे, उन्होंने सिखाया है कि यीशु को बढ़ना है और मुझे घटना है। हम सबको भी यह कहना है, हमारे जीवन में यीशु बढ़े और हम घटे। जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं उससे यीशु को महिमा मिल रहा है, नहीं तो कहीं ना कहीं हम प्रभु यीशु को उसके महिमा से वंचित कर रहे हैं, चुरा रहे हैं जो महिमा उनका होना है।
हम सब कहीं ना कहीं हमारे यीशु के लिए कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कई लोग छोटा सा काम करते हैं और कुछ लोग बड़ा कार्य करते हैं। हमें कुछ बात याद रखनी है। किस बात को हमें याद रखनी है? सबसे पहले हमारे अंदर जो क्षमता है, दूसरी बात जो अवसर हमें दिया जाता है। कभी आपने सोचा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से कई सारे लोग पहले डरते थे, लेकिन अभी हम ईश्वर के लिए काम करते हैं। हम में से कई सारे लोग पहले अपने मुंह तक नहीं खोल पाते, लेकिन अब हमारे मुंह से प्रभु यीशु के वचन निकलते हैं, गीत निकलते हैं। हम में से कई सारे लोग पहले जो काम नहीं कर पाते थे, अब वो हम आसानी से कर रहे हैं। कभी हमने सोचा है कि हम में जो क्षमता है वो किसने हमें दिया है? हमें ये सोचना है। हम जो कुछ कर पा रहे हैं यीशु के लिए, छोटे काम या बड़े काम, छोटा कार्य या बड़ा कार्य, वो यीशु की शक्ति और उसकी कृपा के बदौलत है। अगर हमने ये कहा कि ये मेरे बदौलत है, मैं ये कर रहा हूं, तो आप प्रभु यीशु को घटा रहे हैं और अपने आप को बढ़ा रहे हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना है। कई बार अनजाने में जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। गलती हमने सबने किया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो हमने किया, ये या वो, उस यीशु के कृपा के कारण, उस यीशु की शक्ति के कारण ही हमने किए। अपने शक्ति से हमने कुछ नहीं किया। अब तक हमने जो भी किया है वो यीशु की शक्ति से, यीशु की कृपा से ही किया है, पवित्र आत्मा की शक्ति से किया है। अपने आप हमने कुछ नहीं किया है। जब हम ये कहेंगे कि वो हमारे शक्ति के बदौलत है, तो हम यीशु को घटाते हैं और अपने आप को बढ़ाते हैं। और प्रभु यीशु का वचन साफ साफ कहता है कि प्रभु घमंडियों को नहीं चाहता, प्रभु घमंडियों को नहीं चाहता। यीशु को बढ़ना है और हमें घटना है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना है, नहीं तो हम शुरुआत बहुत छोटे रूप से करते हैं और जब हम कुछ ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको और मुझको इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हमारे जीवन में यीशु को बढ़ना है और हमें घटना है। जो महिमा हमें प्रभु यीशु को देना है, हम उसे अपने पास नहीं रख सकते, उससे छीन नहीं रख सकते। प्रभु यीशु को जो महिमा उसे मिलना है, उसे हम वंचित नहीं कर सकते। हम जिस तरह से सोचते हैं, हम जिस तरह से बात करते हैं, उस सबसे पता चलता है कि महिमा हम प्रभु यीशु को दे रहे हैं या प्रभु यीशु का महिमा जो है हम ले रहे हैं। हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में न घटाए, इस बात का ध्यान दें। हो सकता है कि आप जो सुन रहे हो, आप किसी शुश्रूषा में हो, प्रभु यीशु के लिए कार्य कर रहे हो, आपके पल्ली में प्रभु यीशु के लिए कार्य कर रहे हो। आपको और मुझको, हम सबको इस बात को समझना है कि प्रभु यीशु की शक्ति की बदौलत हम इतना कुछ उसके राज्य के लिए कर पा रहे हैं। वही है जो हमें
या क्षमता दे रहा है कि हम उसके लिए कुछ कार्य करें। वही है जो हमें नया अवसर अलग अलग जगह दे रहे हैं कि उसके लिए कुछ कार्य करें। हम सबको एक बात रखना है कि अंत में हम यही बात कहें, हे प्रभु, मैं तो एक अयोग्य नौकर हूं और मैं बस अपना काम कर रहा हूं, जो शक्ति जो कृपा आप मुझे दे रहे हैं उसे लेकर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं तो एक अयोग्य नौकर हूं। मालिक को जो महिमा देना है वो मालिक को ही मिलना है। आप और मैं, हम प्रभु यीशु के लिए काम करें, हमारे नाम के लिए नहीं, प्रभु यीशु के लिए काम करें, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करें, तब जाकर हम संत योहन जो बपतिस्मा देने वाले थे उसके साथ हम भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन में यीशु बढ़े और हम घटे। हमारे जीवन में यीशु बढ़े और हम घटे, यीशु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको एक बात बतानी है। संत मदर तेरेसा उतने सारे लोगों के लिए काम कर रहे थे और हर दिन वो यही प्रार्थना करती, प्रभु मुझे क्षमा करना अगर मैंने जो महिमा आपको देना है वो महिमा अगर मैंने चुराया है तो मुझे क्षमा करना। ये एक ऐसा संत है जो इस बात को जानती थी कि उनके जीवन में यीशु को बढ़ाना है और खुद को घटाना है। जब हम इस बात को हमारे मन में हृदय में पक्का कर लेंगे तब हम कभी अहंकार और घमंड में नहीं गिरेंगे, हमेशा विनम्र बना रहेगा। आप छोटा काम करते होंगे, बड़ा काम करते होंगे, करते रहना, यीशु का राज्य बढ़ाते रहना, लेकिन अहंकारी और घमंडी जो बनता है, वचन जैसा कहता है कि उसे एक दिन गिरना ही पड़ेगा। आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को जोड़ लें। हे पिता परमेश्वर, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 30 के अनुसार हम सबको यह कृपा दे पिता कि हमारे जीवन में यीशु बढ़े और हम घटे। अगर हमने गलती से भी या अनजाने में इस बात पर गौर नहीं किया है प्रभु, हे पिता हम सबको कृपा दे कि हमारे गलती को सुधारे, आगे से हम जो कुछ करें तेरे राज्य के लिए इस बात को याद रखे कि हमें यीशु को बढ़ाना है और खुद को घटाना है। प्रभु हम ये प्रार्थना तेरे पुत्र यीशु के नाम पर करते हैं, आमेन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शक्ति देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता वो नाम है, जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है
बंदगी यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।